प्रेसिडेंट हैं, उनका एक बयान आया है और वो बयान पढ़ के किसी भी इंसान का दिल पसीज जाएगा। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने पहल ली है, अगर अरब मुल्क इसके साथ भी नहीं आएंगे इस कानूनी लड़ाई में अगर वे साउथ अफ्रीका के साथ नहीं आते हैं, साउथ अफ्रीका ने जो आरोप लगाया है जेनोसाइड का इज़राइल के ऊपर, उसमें वो अगर साउथ अफ्रीका के साथ खड़े नहीं होते हैं तो ये शर्म की बात होगी। शर्म की बात तो होगी ही। सोचिए, साउथ अफ्रीका जो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, जो कोई अरब कंट्री नहीं है, जो किसी उम्मत का हिस्सा नहीं है, वो फलस्तीनियों का दर्द समझ के जाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, एक शानदार दस्तावेज पेश करती है ये साबित करने के लिए कि इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, और अगर ये साबित हो गया तो इसराइल के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिका में वहां की जो नेशनल